प्यारे बच्चों, आज साडे दरमियान तुसी देख रहे हो तीन शख्सियतां तशरीफ लाइया हन। मन दे विच एक सवाल होएगा कि ये कौन ने, कित्थों आए ने, किस बारे सानू जानकारी देणगे। तो वो जिहड़ा सवाल है तुहाडे मन दा, उस सवाल नू आपां ठहरा दे दिंदे हां। ठहरा देंदे हुए मैं तुहानू उहनां दा तारुफ करवाउंदी हां, उहनां नाल जान पछाण करवावांगी कि कौन ने। एक्चुअली जो कुछ वो दसणगे इत्थे उसी साडी जिंदगी दे विच बहुत अहमियत है, वो की है वो बारे भी जानकारी मैं देंगी तुहानू। सब तो पहले तो आपां ताड़ियां दे नाल स्वागत करना है। साडे कोल मनोविज्ञानिक काउंसलर पहुँचे ने श्री रजिंदर जोधपुरिया जी। उन्होंने नाल एक पब्लिक स्पीकर एंड ट्रेनर हैं श्री सतीश कुमार जी। उन्होंने नाल श्री दयाराम जी हैं जो मैनेजर एंड असिस्टेंट हैं। मानसिक तौर पर बीमार बंदा सब तो खतरनाक हो सकता है। बारी अगर शरीर पर कोई थोड़े जख्म है तो उसका इलाज हो सकता, मानसिक का भी इलाज हो सकता, लेकिन बड़ा वक्त लगता है। सो मैं ये सारा कुछ साढ़े आले दुआले जो हो रहा है, ज़्यादा वक्त ना लेंदे हुए थोड़े और जो साढ़े स्कॉलर्स आए हुए ने, शख्सियत आई ने, उन्होंने विचकारिक सेतु का काम किया, उन्होंने जान पछाण कराई है। और मैं एक सद्दा देंगी श्री सोनू। सारू सत श्रीकाल। एक बारी गल बनी नहीं, सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। जी तो मैं सब तो पहला धन्नवाद करना चाहवागा प्रिंसीपल मैम भारती ओबराय जी का, तो मैडम जिन्ह ने साडा सहयोग किया, क्योंकि पंजाबी चलू या हिंदी, पंजाबी या हिंदी, पंजाबी बाली देर नहीं चलनी, अच्छा दोनों, तो क्योंकि बेसिक फ्लो है वो मेरा हिंदी में बनता है। हाँ जी, पंजाबी समझ आए, हिंदी समझ आई, ये बीच में अगर पंजाबी आ जाती है तो पंजाबी आ भी जाएगी। तो आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो सकता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो बदली है वो एक ऐसे सेमिनार से ही बदली है। और आज का जो हमारा ये समय है, ये वेस्ट टाइम नहीं है, ये इन्वेस्ट हुआ है, ये हमारे ऊपर इन्वेस्ट टाइम है। ये चंद मिनटों का सेमिनार ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की, बातें वही होंगी जो जीवन में अनुभव की हैं, बाकी फालतू की बातें कोई नहीं होंगी जो मैंने ना तो अनुभव की, सिर्फ किताबी बातें कुछ भी नहीं हैं, एक्सपीरियंस की ये बातें रहेंगी। तो सबसे पहली बात उसमें से यही है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है उसके लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंसान कौन होता है। वो इंसान एक उदाहरण से समझते हैं, आपने मिसाइल मैन का नाम सुना है, किस किस बच्चे ने सुना है? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा? स्टूडेंट्स, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? APJ अब्दुल कलाम। क्या आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम को तराशने वाले कौन थे, उनके मेंटोर गुरु कौन थे? हाँ जी, जो बच्चा ये बताएगा, स्टूडेंट ये बताएगा, उसको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा, स्पेशल गिफ्ट रहेगा। चलिए उसका नाम मैं बता ही देता हूँ। हाँ जी, पीछे आ रही है आवाज़। हाँ जी, बोल रहे थे कुछ आप लोग, नाम बता रहे थे शायद। देखिए, हम जो इंसान सक्सेस होता है उसे जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की शख्सियत को हम बहुत कम जान पाते हैं। तो उनके गुरु मेंटोर थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई आपने नाम सुना होगा, उनको तराशने वाले विक्रम साराभाई ही थे। आज इंडिया की जो बेस्ट इसरो है, आपने नासा का नाम सुना है, नासा से भी ज़बरदस्त जिसकी परफॉर्मेंस आ रही है वो हमारी इंडिया की इसरो है। जो नासा काम करता है रॉकेट लॉन्चिंग का, वो काम इसरो कर देता है आधे बजट में। और पिछले दिनों एक इतिहास इंडिया के नाम रहा कि एक समय में 127 रॉकेट लॉन्च कर दिए, और उसमें से 105 रॉकेट अमेरिका के थे, ये लॉन्च किए हैं इसरो ने। तो एक समय था जब इसरो बिल्कुल एक कठिन दौर से गुजर रहा था, उसी समय विक्रम साराभाई मिले और APJ अब्दुल कलाम जी जैसे मिले। तो ऐसा इंसान हर कोई बन सकता है। मेरा यही मिशन है कि ज़िंदगी में ऐसे बच्चों को, ऐसे APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बच्चों को तराशना जो इंडिया की, क्या पूरे दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। और आप स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जो आप सोचते नहीं उससे हज़ार गुना आप कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, ये दावा है, ये 100% सच हैं। क्योंकि हमें मिलते कौन हैं,
बचपन से हमें कई बार ऐसे कुछ इंसान मिल जाते हैं जो डीमोटिवेट कर देते हैं, जो हमें एक दायरे में फिट कर देते हैं। सबसे बड़ा अपराध दुनिया का एक ही है कि छोटा सोचना या कोई गलती ना करना सबसे बड़ी दुनिया की गलती है। तो हमेशा रिस्क लें और बड़ा ज़रूर सोचें, जो सोचते हैं उससे बड़ा ज़रूर होता है। तो मेरी लाइफ की शुरुआत भी ऐसे हुई। तो आज जो हम ये कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर काम, ये आप यहाँ एक कॉलेज में बैठे हैं और हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ अब 5 या 6 ऐसे काउंसलर हैं जो इलाज कर रहे हैं और 17 देशों से फ़ोन आते हैं, इलाज लेते हैं, ऑनलाइन इलाज लेते हैं मेंटल हेल्थ का। ऐसा नहीं है कि इंडिया से या पंजाब से, 17 देशों से इलाज होता है। और वो हो कैसे पाया, एक नया मुकाम हो कैसे पाया, उसके विषय में बताना है। लेकिन इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सभी बच्चे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं? हाँ जी हाँ, तो कंप्यूटर वाले कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया जो बदली है वो कंप्यूटर वालों ने ही बदली है। आप जानते हैं amazon.com, फ्लिपकार्ट या एक जैकमा जिनकी alibaba.com है, उन इंसानों ने किया क्या? सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया और जो समाज में दिक्कत थी कि सामान बाहर से हमें खरीद के लाना पड़ता था वो उनके घर पे पहुंच जाता है, तो इससे बड़ी कोई अच्छी चीज़ हो सकती है? तो जो इंसान समाज की दिक्कतों को सॉल्व कर देता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए पैसों का अंबार लग जाता है, वो गिन नहीं सकता, उतने पैसे वो कमा सकता है, कमा सकता है। ये मेरा वादा है आपसे कि आप जितना सोचते नहीं उसे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि समाज की कोई भी एक समस्या जो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता, हमें सॉल्व करना होगा। इस समाज में इंसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, हम क्या कर सकते हैं उन समस्याओं के समाधान में? अब देखिए कि मोबाइल ने क्या किया, सिर्फ बात ही तो करवाई, जो पहले लैंडलाइन करवाता था वो हाथ में आ गया, तो ये आइडिया कितना पसंद आया। तो हमने भी एक ऐसा ही शुरू किया था कि जो इलाज आज लोग लेने जाते हैं डॉक्टर के पास वो जाना ना पड़े, उसके घर बैठे उनके मोबाइल पर इलाज हो जाए, तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो आपने एक याद रखनी है चीज़ कि आपके अंदर जो संभावनाएं हैं उनको तराशने के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, पांडव गरीब थे और वो गरीब थे क्योंकि जंगल में रहते थे, लेकिन फिर भी वो महाभारत कैसे जीत गए? जो कौरव थे वो काफ़ी धन धान्य से संपन्न थे, और शक्ति में क्या कौरव कम थे? शक्तिशाली कौरव थे या पांडव थे? कौरव थे, आपने महाभारत देखी होगी, क्योंकि कौरवों के अंदर भीष्म पितामह हैं जो तो इच्छा मृत्यु वाले थे, जिनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था, और उनमें कर्ण और अन्य सूरवीर थे जिनको हरा पाना तो किसी के बस की बात थी नहीं। फिर भी क्यों हार गए? क्योंकि उनके पास एक मेंटोर या टीचर था ही नहीं, था कोई। लेकिन पांडव क्यों जीत गए? क्योंकि कृष्णा था। तो हमें ज़रूरत है ज़िंदगी में एक कृष्णा की। तो जिस इंसान के जीवन में एक कृष्ण नहीं है वो इंसान गरीब ही है, वो इंसान दुखी ही है, परेशान ही है। तो हमेशा एक ज़िंदगी में कृष्ण जरूर बना के रखें, तो वो हमें कठिन दौर में रास्ता दिखाए। वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए युद्ध लड़ेगा या हमारी परेशानियों को खुद सॉल्व कर देगा, कभी नहीं करेगा। हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसे कभी नहीं देगा। हमें कोई ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं करेगा, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करना कैसे है वो रास्ता दिखा देगा। यही असली कृष्णा होता है। तो ज़िंदगी में जिन लोगों के जीवन में कृष्णा नहीं है, एक मार्गदर्शक, एक मेंटोर, एक टीचर नहीं है, वो पटरी से उतर जाते हैं। वो दिखते हैं लेकिन उनकी दिशा अच्छी नहीं होती। तो ज़िंदगी में एक गुरु रखें। और दूसरी बात ये कि इफ़ यू टेल मी अबाउट यूर 5 फ्रेंड नेम एंड देयर हैबिट्स, आई टेल यूर फ्यूचर। अगर आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम और उनकी आदतें और उनका व्यवहार बताएं तो मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूं।